ओके कम एट क्वेश्चन नंबर एट. देखो इन क्वेश्चन नंबर एट इट इज रिटन ए ब्लॉक हैंग्स फ्रॉम ए स्ट्रिंग रैप्ड ऑन ए डिस्क ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर. ए ब्लॉक हैंग्स फ्रॉम ए स्ट्रिंग रैप्ड ऑन ए डिस्क ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर. ठीक है. Free to rotate about its axis which is fixed in horizontal position. ऐसे डिस्क इसके ऊपर ये लटका हुआ है, जैसे गिरेगा ये अनरैप होगा. ठीक है. So question is, the diagram is like this, and the question is, if the angular speed of disk is 10 radian, if angular speed is 10 radian per second at some instance, with what speed is the block going down at that instance? ठीक है. With what speed the block is going down? ठीक है. तो देखो, ध्यान दो. देखो, consider this point. This point, the point at which the string is losing contact with the disk. जहां से वो अलग हो रहा है इससे, ठीक है, unwrap हो रहा है इस point से. इस पॉइंट का बात करते हैं. तो बिफोर दिस पॉइंट द स्ट्रिंग एंड द डिस्क आर इन कॉन्टेक्ट. ठीक है. तो यहां पर जो इस जगह पर जो स्पीड होगा, जो भी लीनियर स्पीड होगा, दैट विल बी स्पीड ऑफ द स्ट्रिंग और द ब्लॉक. वॉट एवर लीनियर स्पीड ऑफ डिस्क वी विल हैव एट दिस पॉइंट, द सेम स्पीड विल बी देयर फॉर द ब्लॉक. ठीक है. अब देखो v इक्वल टू जो यहाँ का स्पीड है वही यहाँ का होगा. तो v इक्वल टू रोटेशन में क्या होता है, विल इट बी ओमेगा इनटू आर. बस यही चीज करना है. ठीक है. ओमेगा मालूम है, आर मालूम है, मल्टीप्लाई कर दो v निकल जाएगा. ठीक है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी विल डू इज टॉर्क. हम लोग टॉर्क करें, टॉर्क क्या होता है, कितना आया इसमें आंसर, 10 into 0.2, दैट विल बी 2 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, टॉर्क. देखो टॉर्क क्या होता है. टॉर्क इज रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स. फोर्स का जो सिग्निफिकेंस है ट्रांसलेशन के कंटेक्स्ट में, द सेम सिग्निफिकेंस वी हैव ऑफ टॉर्क इन रोटेशनल कंटेक्स्ट. ठीक है. तो टॉर्क जो होता है वो रोटेशन में फोर्स का काम करता है. ठीक है. तो इसको लिख लो, टॉर्क इज रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स. टॉर्क इज रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स. अब देखो हम लोग अब टॉर्क को समझने की कोशिश करते हैं. टॉर्क किस किस चीज पर डिपेंड करेगा, फोर्स के इक्विवेलेंट है तो किस किस चीज पर डिपेंड करेगा. तो हम लोग देखते हैं, ये डोर को कंसीडर करेंगे. ठीक है. ये डोर, अब देखो उस डोर को हम, ये डोर रोटेट हो रहा है. ठीक है. अपने एक्सिस के अबाउट इसका रोटेशन हो रहा है. तो इस डोर को जब हम रोटेट करते हैं तो क्या क्या चीज रिस्पॉन्सिबल है रोटेट करने में, कितना तेजी से रोटेट होगा. फर्स्ट थिंग इज द थिंग विच इज रिस्पॉन्सिबल इज द अमाउंट ऑफ फोर्स विच वी अप्लाई ऑन दिस. इफ वी अप्लाई लार्जर फोर्स देन द रोटेशन एक्सेलरेशन, जो भी ज्यादा स्पीड से रोटेट करेगा, ठीक है, ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा. ठीक है. सो द फर्स्ट थिंग, टॉर्क डिपेंड्स अपॉन, टॉर्क को ऐसे टाउ में लिखते हैं, that will be proportional to force. ठीक है. it will be proportional to force. okay. now second thing, if we apply a force at this point, or we apply a force at this point, at which point we will have larger amount of rotation?
इस तरफ लगाएंगे तो ज्यादा आसान होता है ना, हल्का सा भी फोर्स लगाए रोटेट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या हम आसानी से रोटेट कर सकते हैं? That's why the handle is at the end. ठीक है? So what is this quantity? This quantity is the distance of the point of application of force from the axis of rotation. जिस जगह पर फोर्स लगा रहे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, the distance of this point of application of force from axis of rotation. ठीक है? तो दूसरा इस पर डिपेंड करता है और इसके भी प्रोपोर्शनल है. जितना हम लोग ज्यादा जाते हैं ना उतना ज्यादा अमाउंट में टॉर्क लगता है, जिस तरह फोर्स के प्रोपोर्शनल. ओके okay, तो इसको लिख लोगे. सेकेंड इज आर, दैट आर इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ application of force from axis of rotation. ठीक है, तीसरा चीज, एक चीज और होता है, अगर हम लोग फोर्स लगाते, मान लो इसी पॉइंट पर केवल बात करें, सपोज एंड पॉइंट पर कंसीडर करते हैं, एंड वी अप्लाई सेम अमाउंट ऑफ फोर्स. Suppose we apply force in this direction, this direction, this direction, this, ऐसे अलग अलग direction में लगाते हैं. किस direction में सबसे ज्यादा और आसान से ऐसे लगाएंगे तो, ठीक है, इस तरफ ये direction में लगाएंगे तो होगा कोई rotation? कितना भी force लगाओ rotation नहीं होगा. ठीक है, so the rotation और torque, किससे torque, the impact of torque is rotation. ठीक है, that also depends upon the angle. ये कौन सा angle है? ठीक है, angle पर depend करता है. ठीक है, ये angle है क्या? proportional नहीं लिखेंगे, actually ये sin theta होता है. मैं बता रहा हूँ ये angle कौन सा है. ये angle है तुम्हारा जो axis of rotation से जो r आया, जैसे मान लो ये point पर force लगा, axis of rotation से जो ये r बनेगा, ऐसे r बनेगा ना, इस r के साथ फोर्स का जो एंगल बनेगा, ठीक है, वो वाला एंगल. अगर ये फोर्स का एंगल, ये आर ऐसे है, फोर्स का एंगल इस तरफ है, इफ दिस इज परपेंडिकुलर, तो सबसे आसानी से रोटेशन होगा. तो परपेंडिकुलर है तो इसलिए साइन थीटा लिखे. इफ थीटा इज 90 देन वी विल हैव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टॉर्क. ठीक है, तो हम लोग इसको एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, एफ आर साइन थीटा. ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं थीटा क्या है. थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड आर वेक्टर, एफ वेक्टर एंड आर वेक्टर. आर वेक्टर क्या है? द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक है, मैं डायग्राम बना के इसको एक दिखाता हूं. सपोज दिस इज द एक्सिस, ऐसे एक्सिस, एंड we have some object, मान लो door here, एक point यहाँ ले लिया. If we apply a force, देखो radius r इस तरह होगा, r will be like this from axis of rotation to the point of application of force. ठीक है, r इस तरफ होगा. F, F जो है suppose हम लोग ऐसे ले लिए, F is applied like this. So what is angle between F and R? This is the angle. ठीक है, R is like this and F is like this and this is the angle. ठीक है, so हम लोग इसमें देखो R F sin theta देखते हैं. अब देखो इसमें ध्यान देने का बात क्या, R F sin theta का मतलब क्या निकलता है? ये F ऐसे लग रहा है, if we write F sin theta, what does it mean? F sin theta means component of this force perpendicular to R. What does it mean? F sin theta. F as a sin theta component. Means per the component of F perpendicular to R. So we can write R F perpendicular. Okay. The F sin theta is, or F perpendicular is,
कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू आर। एफ ऐसे लग रहा है लेकिन इसका कंपोनेंट इस तरफ हम लोग लिख रहे हैं, एफ साइन थीटा मतलब वही चीज। सो दिस इज कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू आर, ठीक है। इन द सेम वे वी कैन ऑल्सो राइट आर परपेंडिकुलर एफ। आर परपेंडिकुलर क्या होगा, आर साइन थीटा, ठीक है। देखते हैं आर साइन थीटा कौन सा क्वांटिटी। देखो एफ सेम रहेगा, आर केवल आर का साइन थीटा लेना। इसको हम लोग ऐसे कर सकते, इसको एक्सटेंड किया मान लो इस तरह, ठीक है। दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। नाउ ड्रॉ पे परपेंडिकुलर, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। सो दिस इज आर, वॉट इज दिस क्वांटिटी, इज इट आर परपेंडिकुलर। क्योंकि ये आर साइन थीटा हुआ ना, ये क्वांटिटी क्या हुआ, आर साइन थीटा। एंड दिस क्वांटिटी इज परपेंडिकुलर टू एफ, एफ इज लाइक दिस एंड दिस आर इज परपेंडिकुलर टू एफ। वी हैव ड्रॉन परपेंडिकुलर, दिस आर परपेंडिकुलर इज परपेंडिकुलर टू एफ। सो द सेम थिंग वी कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, ठीक है। द परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट ऑफ आर, द कॉम्पोनेंट ऑफ आर परपेंडिकुलर टू एफ, ठीक है। कॉम्पोनेंट ऑफ आर परपेंडिकुलर टू एफ, ठीक है। ये भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो टॉर्क जो होता है इस तरीका से बेसिकली डिफाइन होता है, एंड द टॉर्क सिंस इट इज साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा, वी कैन राइट द टॉर्क एज आर क्रॉस एफ। वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, टॉर्क वेक्टर इज आर क्रॉस एफ, वेयर आर इज वेक्टर क्वांटिटी, रेडियस पोजीशन वेक्टर है जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, एंड एफ इज ए फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। एंड यू नो दैट हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन फॉर ए वेक्टर क्वांटिटी, फॉर ए क्रॉस प्रोडक्ट, फॉर क्रॉस प्रोडक्ट हाउ डू फाइंड द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा और आर एफ साइन थीटा, ये यहां पर हो जाएगा। एंड डायरेक्शन कैसे निकालो, कंसीडर दिस केस ओनली, हाउ डू फाइंड डायरेक्शन, आर इज लाइक दिस, एफ इज लाइक दिस, तो पहला वेक्टर से दूसरा वेक्टर की तरफ, फर्स्ट वेक्टर इज लाइक दिस, सेकंड वेक्टर इज लाइक दिस, सो वी विल हैव आउटवर्ड डायरेक्शन। सो द टॉर्क कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस एग्जाम्पल इज इन आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। सिंपल इस तरह से समझ सकते हो, जिस तरफ रोटेशन होना है उसके साइड, अगर फिंगर्स को कर्ल करो राइट हैंड का, तो थंब जो है दैट विल गिव द एक्सिस का, दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, एंड दैट इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। दैट्स व्हाई दिस क्वांटिटीज आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर्स, टॉर्क जो होते हैं ना दैट इज कॉल्ड एक्सियल वेक्टर्स, बिकॉज देयर डायरेक्शंस आर अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को, डायरेक्शन कैसे निकालते, राइट हैंड थंब रूल से। एंड वी हैव टू पॉसिबल डायरेक्शंस फॉर दिस, आइदर इनवर्ड और आउटवर्ड। देन हाउ डू वी डिसाइड, टेक द फर्स्ट वेक्टर एंड रोटेट टुवर्ड सेकंड वेक्टर, द थंब विल बी आउटवर्ड, ठीक है। तो इस तरीका से हम लोग इसको कर सकते हैं।